नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा और समझेंगे कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक फ्लावर में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो फ्लावर के कंपोनेंट में सीपल जो आउटर साइड में लोकेटेड होते हैं, उसके बाद पीटल, पीटल के बाद स्टेमिन और स्टेमिन के बाद क्या होते हैं, कार्पेल। कार्पेल को हम लोग फीमेल पार्ट भी बोलते हैं और स्टेमिन को मेल पार्ट के नाम से भी हम जानते हैं। और ये भी सी मॉडल बताता है, एक तरह का साइंटिफिक मॉडल है जो बताता है कि फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर का जो डेवलपमेंट हो रहा है या अपीयरेंस ऑफ फ्लावर हो रहा है वो बेसिकली ये पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन मेरिस्टेम टिश्यू है। ये पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन ही फ्लावर का डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन गड़बड़ होता है या दिक्कत होता है या प्रॉब्लम होता है तो उनके डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होगा और उस चीज को हम लोग नीचे देखेंगे। तो सबसे पहले वाइल्ड टाइप को देखते हैं। तो वाइल्ड टाइप के लिए तीन तरह के जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, ए बी सी। सीपल के लिए ओनली ए जीन रिस्पॉन्सिबल है, पीटल के लिए बी ए बी रिस्पॉन्सिबल है, ए बी, ए बी पीटल के लिए। बी सी के लिए क्या, स्टेमिन रिस्पॉन्सिबल है, स्टेमिन बी सी जन्म अगर सही है तो स्टेमिन बनेगा और सी के लिए सिर्फ कार्पेल बनेगा। ये वाइल्ड टाइप की कहानी है। अब हम देखते हैं म्यूटेंट। अगर जीन ए म्यूटेंट हो गया, जीन ए क्या हो गया, म्यूटेंट हो गया। इसका एग्जाम्पल है एपेटला वन और एपेटला टू, दो म्यूटेंट नेचर में मिले हैं इस तरीके के, क्या जो कि म्यूटेंट ए है जिसमें म्यूटेंट ए जीन काम नहीं कर रहा, म्यूटेंट ए जीन काम नहीं कर रहा है। अगर म्यूटेंट ए जीन नाम काम नहीं कर रहा है तो ये इस रीजन को जीन सी के द्वारा एक्सप्रेस हो जाएगा, मतलब जीन सी यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। तो देख सकते हैं पूरे रीजन में आपका सी है और वास्तव में आपके दो ही कंडीशन है, बी और बी सी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इस रीजन में, कार्पेल के लिए। तो होगा आप क्या कि बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्पेल, सीपेल की जगह क्या डेवलपमेंट हो जाएगा, कार्पेल डेवलपमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कार्पेल बिल्कुल फीमेल पार्ट डेवलप हो जाएगा और बी और सी बिल्कुल आपका सही है। बी और सी के लिए क्या डेवलपमेंट होता है, स्टेमेन। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी और सी के स्टेमेन होता है, तो बी और सी की जगह क्या हो जाएगा, स्टेमेन डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप पाएंगे कि सी है तो सी आपका कार्पेल है, तो कार्पेल आप पाएंगे कि कार्पेल आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि तो इस तरीके से हमने पाया क्या कि इस तरह के डेवलपमेंट में अगर म्यूटेंट ए हो गया तो म्यूटेंट ए में क्या डेवलपमेंट होगा, कार्पेल, स्टेमिन, स्टेमिन, कार्पेल। कारण क्या, क्योंकि ए जीन है नहीं तो जीन ए के द्वारा जो सीपल डेवलपमेंट हो वो होगा नहीं, और ए और बी का कॉम्बिनेशन पीटल होता है वो भी डेवलपमेंट नहीं होगा, और उसके द्वारा क्या रिप्लेस कर दिया जाएगा, स्टेमिन और कार्पेल रिप्लेस किया जाएगा। स्टेमिन क्यों, क्योंकि बी और सी का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और सी एलोन कार्पेल, तो कार्पेल स्टेमिन, स्टेमिन कार्पेल होगा। और ये ध्यान रखना है कि म्यूटेंट ए में एपेटला वन और एपेटला टू होते हैं। ठीक उसी तरीके से आप पाएंगे कि म्यूटेंट बी और म्यूटेंट सी, म्यूटेंट सी बी में आपका बी जीन काम नहीं करेगा तो बचेंगे क्या, ए एंड सी, और ए और सी बचेंगे तो ए के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ए क्या करता है, ओनली सीपल, सीपल, और दूसरे स्थान पर पीटल होना चाहिए था तो सीपल और पीटल के जगह भी क्या हो जाएगा, सीपल, क्योंकि आपके पास बी जीन नहीं है और ए और बी दोनों जीन चाहिए पीटल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओनली ए जीन्स हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया, सेपल डेवलपमेंट हो गया। और लास्ट में आपका कार्पेल तो बिल्कुल सही है, कार्पेल, और यहाँ पर आपका स्टेमिन होना चाहिए था तो स्टेमिन है नहीं, क्यों, क्योंकि स्टेमिन के लिए आपको क्या चाहिए था, बी और सी, जबकि बी नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन आपका क्या हो रहा है, ओनली सी है, तो यहाँ पर कार्पेल डेवलप हो गया। और ये तरह के बी तरह के जो म्यूटेंट होते हैं, एपेटला थ्री और पिस्टिलेटा, एक एग्जाम्पल याद रखना है, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं।
और आपका लास्ट म्यूटेंट जो है म्यूटेंट सी, जिसका एग्जाम्पल क्या है एगोमश, जिसमें सी जो जीन है काम नहीं करेंगे, उस परिस्थिति में क्या बनेगा, सीपल पीटल पीटल फ्लावर। ए बिल्कुल सही रहेगा, सीपल पीटल भी, क्योंकि ए और बी आपका सही है, और जबकि सी नहीं काम कर रहा है तो आपके क्या कॉम्बिनेशन होंगे, ए और बी, और ए बी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, पीटल के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पीटल है, और लास्ट में जो फ्लावर है तो फ्लावर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हमने इस तरह का देखा क्या कि तीन तरह के जीन्स के म्यूटेंट को देखा, और देखा कि कैसे जीन का अगर म्यूटेशन हो जाता है तो वाइल्ड टाइप स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो जाता है, म्यूटेंट ए में, बी में और म्यूटेंट सी में। हमें लगता होगा आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई नया वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त